नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंगूर की मीठी चटनी, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं पार्टी वगैरह में, तो उसको हम आज बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्रेश अंगूर ले लिए 1 कप हरे वाले और उनको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद हर अंगूर को 2 टुकड़ों में हमने काट लिया। ये देखिए, सब अंगूर मैंने काट लिए हैं 2 टुकड़ों में। अब एक कढ़ाई ली, उसमें 1 चम्मच तेल गरम करा, उसमें डाला 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ और उन्हें तड़कने दिया। जब वो तड़क जाएंगे तब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच कसी हुई या बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि अदरक का हल्का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। और फिर डालेंगे 1/2 कप गुड़ और 1/3 कप पानी। अब हमें गुड़ को इसमें पिघला लेना है, गुड़ की चाशनी सी बन जाएगी इसमें, तो जब तक गुड़ पिघल जाए तब तक इसे पकाएंगे। जब गुड़ पिघल गया तो जो हमने कटे हुए अंगूर थे हमारे, उनको हम डाल देंगे और करीब 8-10 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। धीरे धीरे देखेंगे हम कि अंगूरों का रंग बदलने लगेगा, वो थोड़ा गलने लगेंगे, उनमें मुलायमियत आ जाएगी। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1/4 चम्मच सेंधा नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा। हम ये ऐसी चटनी बना रहे हैं जो कि व्रत में भी खाई जा सके, तो इसमें सब मसाले हमने वही डाले हैं जो व्रत में भी खाए जा सकते हैं। यदि इसमें से कोई मसाले आप ना खाते हों तो वो आप ना डालें। सब मसालों को मिलाने के बाद भी हम इसे 4-5 मिनट पकाएंगे ताकि सब मसालों का स्वाद अंगूर में आ जाए। और फिर अपने स्वाद अनुसार करीब 1 बड़ा चम्मच इसमें कुछ काजू बादाम या जो भी आपको पसंद हो वो डाल दीजिए और मिला लीजिए। फिर से 3-4 मिनट पकाएंगे और जब ये अच्छी गाढ़ी हो जाए तो इसे आँच से उतार लें और फिर इसे एकदम ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी भी समय के नाश्ते के संग, खाने के संग इसे परोस सकते हैं। व्रत में किसी भी चीज़ के संग आप इसे खा लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। यदि रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।